बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 5 की ऑक्सफोर्ड ब्रॉडवे इंग्लिश कोर्स बुक 5 से लेसन नंबर 1 गुलिवर इन लिलीपुट, इसकी एक्सरसाइज का जो पहला पार्ट है लर्न टू रीड 1, उसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था जो फिल इन द ब्लैंक्स था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये था, व्हाई वर द लिलीपुटियंस एबल टू टाई अप गुलिवर। इसका मतलब ये है कि लिलीपुटियंस ने गुलिवर को किस तरह बांधा, वो किस तरह इस काबिल हुए कि उसको बांध सकें। तो इसका आंसर ये है, ऑन अ वॉयज गुलिवर्स शिप क्रैश्ड बट ही लकीली स्वैम टू सेफ्टी एंड रीच्ड ड्राई लैंड। He was so hungry and tired that he fell asleep at once. During his sleep, Lilliputians tied him up. उर्दू में इसका तर्जमा ये है कि अपने एक सफ़र पर गुलिवर का जहाज़ चट्टानों से टकरा कर तबाह हो गया, मगर खुशकिस्मती से वो ज़िंदा बच गया और वो तैर कर एक खुशकी के टुकड़े पर पहुँचा। और जब वो वहाँ साहिल पर पहुँचा तो वो इस कदर भूखा और थका हुआ था कि वो फौरन ही सो गया। और जब वो सो रहा था तो उसके सोने के दौरान वो जो लिलीपुटियंस थे वो उसको बांधने में कामयाब हुए। दोबारा मैं इसको आपके सामने पढ़ देता हूँ, अगर आप इसको लिखना चाहें, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why were the Lilliputians able to tie up Gulliver? आपकी बुक में यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका आंसर आप नोट कर लीजिए। On a voyage, Gulliver's ship crashed, but he luckily swam to safety and reached dry land. He was so hungry and tired that he fell asleep at once. During his sleep, Lilliputians tied him up. ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है, लिस्ट थिंग्स इन द पैसेज दैट प्रूव दैट द Lilliputians वर वेरी स्मॉल। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पैसेज के अंदर वो चीज़ें नोट करें जिनसे ये साबित होता हो कि लिलीपुटियंस का जो कद का साइज़ था वो बहुत छोटा था। तो इसके आंसर में मैंने 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए हैं जो ये साबित करते हैं कि लिलीपुटियंस बहुत छोटे छोटे थे। तो आप यूँ नोट कीजिएगा, पहला जो पॉइंट है, द साइज ऑफ लिलीपुटियंस वॉज अबाउट 6 inches, कि जो लिलीपुटियंस थे उनके कद का जो साइज़ था वो तकरीबन 6 inch था। दूसरा पॉइंट ये है, मोर देन 40 पीपल वर क्लाइंबिंग ओवर हिज बॉडी। एक वक्त में, यानी वो इतने छोटे थे कि वो एक वक्त में 40 लोग उसके जिस्म पर चढ़े हुए थे और उसको महसूस नहीं हो रहा था। तीसरा पॉइंट है, दे यूज्ड लैडर्स टू क्लाइंब अप हिज बॉडी। वो उनका साइज़ कदर छोटा था कि अगरचे वो लेटा हुआ था मगर फिर भी उसके जिस्म पर चढ़ने के लिए उनको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, वो इतने छोटे थे। फिर चौथा इसका जो पॉइंट मैंने नोट किया, द साइज ऑफ लोफ ऑफ देयर ब्रेड वॉज सो स्मॉल दैट ही एट 3 ऑफ देम एट अ टाइम। The size of loaf of their bread was so small that he ate 3 of them at a time. इसका मतलब ये है कि जब उसने उनको इशारे से बताया कि वो भूखा है और वो उसके लिए खाना लेकर आए, तो उनके जो रोटी थी या जो ब्रेड थी उसका एक एक पीस इतना छोटा था, या एक एक रोटी उनकी इतनी छोटी थी कि वो एक वक्त में 3-3 रोटियों का निवाला बनाकर इकट्ठे खा रहा था। इससे भी साबित होता है कि वो लोग किस कदर ज़्यादा छोटे थे और उनकी रोटी का साइज़ किस कदर ज़्यादा छोटा था।
आपकी आसानी के लिए अभी हम ये करने जा रहे हैं कि एक दफ़ा कुछ देर के लिए हम क्वेश्चन नंबर टू और जो इसका आंसर है इसको फोकस करके स्क्रीन पर सिर्फ ये आपको दिखाएंगे, ताकि आप इस आंसर को अपने पास नोट कर लें, और उसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर थ्री है इसको फोकस करके स्क्रीन के ऊपर कुछ देर के लिए सिर्फ यही रहेगा, ताकि आप इसका आंसर भी अपने पास नोट कर लें। इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम इसी एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम आपके सामने उनका आंसर जो है वो इसी तरह से आपको नोट करवाएंगे, और आपकी इंग्लिश की जो वर्कबुक है उसके अंदर भी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हम उन क्वेश्चंस में से भी देखेंगे कि जिन क्वेश्चंस का आंसर अभी नहीं हुआ हम उसको भी आपके लिए लिखेंगे इसी तरह बोर्ड के ऊपर, ताकि आप उनको नोट कर लें और आपको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। तो अब हम आपके सामने ये फोकस कर रहे हैं, आप इनको गौर से देखकर अच्छी तरह से इसको अपने पास अपनी नोटबुक्स पर नोट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना हो। शुक्रिया।